एक फुल परफॉर्मेंस तो नहीं, क्योंकि स्पिक मैगे का ध्येय ये है कि सिर्फ परफॉर्मेंस आप लोग ना देखें, थोड़ी सी बातचीत हो, थोड़ा सा शेयरिंग हो, तो एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कम परफॉर्मेंस के फॉर्मेट में आज प्रेजेंट करूंगा। आप से में से ज्यादा लोग तो परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो कुछ बेसिक चीजें शायद आपको ऑलरेडी पता होगी कि एक तो भरतनाट्यम कितना पुराना है। मोस्टली हम जानते होंगे कि जनरली 2 से 3 हजार साल की डेट दी जाती है ये आर्ट फॉर्म की हिस्ट्री को। साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु स्टेट है वहां ये शुरू हुआ था मंदिरों के अंदर, और ओरिजिनली 2-2.5 हजार साल पहले सिर्फ औरतें, सिर्फ स्त्री परफॉर्म करती थी और ये मंदिर के अंदर ही परफॉर्म हुआ करता था। ये उस वक्त एक ऑडियंस के लिए आर्ट फॉर्म नहीं था, मंदिर में भगवान को पूजा करने के लिए आर्ट फॉर्म था। तो आप अगर इमेजिन करें कि अगर हम मंदिर में बैठे हैं और यहां पे आपके सामने कोई मूर्ति है भगवान की, तो भरतनाट्यम का जो परफॉर्मेंस होता है, जो रिचुअल होता, वो भगवान को फेस करते हुए होता, तो आपको सिर्फ बैक दिखती, क्योंकि उस वक्त ऑडियंस का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं था। ये एक पूजा का तरीका था। 2-2.5 हजार साल से ये आर्ट फॉर्म इवॉल्व होता गया है और फाइनली अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब 1900s के आसपास ही ये मंदिर से बाहर आकर स्टेज पे आया। और हम जो कहते हैं कि ये हजारों साल पुराना ट्रेडिशन है क्लासिकल डांस का, वो आज हम जिस रूप में उसे जानते हैं और जिस रूप में उसे परफॉर्म करते हैं, वो एक्चुअली लगभग 100 साल पुराना है। 1920s-1930s के आसपास ये इस रूप में प्रस्तुत किया गया था पहली बार। मैं आपको 3-4 पीसेस आज परफॉर्म करके दिखाऊंगा और बीच में हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। मैं शुरू करूंगा एक गणेश कौतुम के साथ, गणपति भगवान पर एक छोटा सा श्लोक है, और उसके बाद कौतुम। यहाँ पे आई थिंक कर्नाटिक म्यूजिक के स्टूडेंट्स है क्या यहाँ पे, या इट्स ऑल हिंदुस्तानी म्यूजिक? तो कौतुम जो फॉर्मेट है कर्नाटिक म्यूजिक में, इसमें प्रार्थना के जो शब्द है उसे मृदंग के बोल के साथ ज्वाइन किया जाता है। तो आप सुनेंगे कि प्रार्थना के शब्द भी है, जैसे विघ्न विनायक गणपति कौतुम, और साथ में मृदंग के जो साउंड्स है, ड्रम बीट्स है, तक के डके टक, अधिक के डके टक, ये भी उसमें मिक्स किए गए हैं। तो शुरू करता हूं एक छोटे से श्लोक और गणेश कौतुम के साथ। गजाननम् भूत गणादिसेवितम् कपित्तजम्भूभलसार भक्षितम् उमासुतं शोक विनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं नमामि विघ्नेश्वर
पाद पंगजम नमः। Hare Krishna Madhu Ganesh Vishnu